नमस्कार प्रिय वृश्चिक राशि वाले, स्वागत करता हूं 1 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर के मध्य का संपूर्ण मासिक राशिफल के मेरे इस विशेष कार्यक्रम में। प्रिय वृश्चिक राशि वाले, अक्टूबर के महीने में ग्रहों की स्थितियों में इस प्रकार से बदलाव है कि मैं एक बात आपको जरूर बोलूँगा, थोड़ा सा अगर सावधान रहोगे तो कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, किस लिए बोल रहा हूँ, इस मासिक राशिफल में आप पूर्ण रूपेण समझ जाओगे। ये राशिफल जो रहेगा चंद्र राशि पर आधारित है, अतः आपको अपना चंद्र राशि पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इस वीडियो को नाम या लग्न के अनुसार देख सकते हो। तो चलिए सबसे पहले वृश्चिक राशि वाले, प्रारंभ करता हूँ कि अक्टूबर महीने में आपकी नौकरी और व्यवसाय का क्या हाल है। प्रिय वृश्चिक राशि वाले, आपके कर्म क्षेत्र पे कंटिन्यू शनि का दृष्टि पड़ रहा है, ये अच्छी बात है, जो धीरे धीरे आपको शनि के ढैया में भी संघर्ष और स्ट्रगल की ओर लेकर के जा रहा है। लेकिन आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी जो होते हैं ये सूर्य होते हैं, और सूर्य आय भाव पे 17 अक्टूबर तक बैठे हुए हैं। 17 अक्टूबर तक सूर्य का आय भाव पे बैठना बहुत शुभ है, जो आपको नए नौकरी और व्यवसाय के योगों में बढ़ोतरी दिला देगा। आपके सीनियर अधिकारियों से या पिता से किसी प्रकार की मतभेदता है तो उसको ठीक कर देगा। जो नए नौकरी व्यवसाय को लेकर बहुत परेशान है, इस प्रकार की भी समस्याओं को ये ठीक करेगा। इसके अलावा जो है नए अपॉर्चुनिटी आपके खुलेंगे। कर्म क्षेत्र में कोई मान सम्मान इज्जत खराब कर रहा था तो 17 अक्टूबर तक आपको इस चीज़ों से राहत तो मिल जाएगा। परंतु एक बात आपको यहाँ पे समझने के योग्य है, और बात ये है कि सूर्य जो है 17 अक्टूबर से द्वादश भाव पे जाएंगे, यहाँ पे ये नीच का हो जाएंगे, तो आपको इस महीने 17 तारीख के बाद कर्म क्षेत्र में विशेष मेहनत करना पड़ेगा। 17 तारीख के बाद सीनियर से मतभेद नहीं करना है। सूर्य आपकी कुंडली में कर्म क्षेत्र के अधिपति हैं तो बिजनेस में बड़े कस्टमर से मतभेद नहीं करना है। कुछ प्रोजेक्ट गवर्नमेंट से रिलेटेड या प्राइवेट आपके हाथ से जाने की संभावना बन सकती है तो आपको पहले से उस पर ध्यान दे करके रखना है। दूसरी बात, यहाँ पे 20 अक्टूबर से मंगल भाग्य स्थान में जो है नीच का हो जाएंगे, तो कोई प्रमोशन है या पदोन्नति या फिर कह सकता हूँ कि किसी प्रकार का कोई बड़ा प्रोजेक्ट है तो उसको लेके सीनियर से आर्ग्यूमेंट या मतभेदता की स्थिति बनेगी, तो आपको इन चीज़ों से बच के रहना है। जब मंगल नीच का होगा, ये राशि के स्वामी है, तो व्यर्थ का क्रोध और डिस्टर्बेंस और गुप्त शत्रु आपके पनप सकते हैं, तो 20 अक्टूबर के बाद आपको इन चीज़ों पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। मैंने शुरू में ही कहा था, मैं डरा नहीं रहा हूं, जो बात है मैं मुंह पे बोल रहा हूं। दो दो ग्रह नीच का हो रहा है इस महीने, सूर्य भी हो रहा है, मंगल भी हो रहा है, तो आपको उसका प्रभाव तो झेलना पड़ेगा। जब अच्छा आएगा तो आपके ऊपर पड़ेगा, जब खराब आएगा तो भी आपके ऊपर पड़ेगा, तो आपको इन चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। जहाँ तक विदेश यात्रा का बात करते हैं, यहाँ पे एक बात बहुत अच्छी है कि आपकी कुंडली में 10 अक्टूबर से बुध द्वादश भाव पे चले जाएंगे। अष्टम भाव का मालिक जो है वो द्वादश भाव पे जाएगा, तो ये क्लियर हो चुका है कि 10 तारीख के बाद विदेश यात्रा का संजोग काफ़ी अच्छा बनेगा। लेकिन सूर्य भी जो है 17 तारीख से द्वादश भाव पे नीच के हो जाएंगे। कर्म क्षेत्र का द्वादश भाव पे जब नीच का हो जाएगा मालिक, तो एक चीज आपको ध्यान देना है, जो लोग लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट एक्सपोर्ट इंपोर्ट में बहुत ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 17 तारीख के बाद थोड़ा सावधान हो जाइएगा। 17 तारीख के बाद फिर जो है किसी के सिर्फ जुबानी बातों पे कि चलो ठीक है मैं आपको तुम्हें फॉरन भेज रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, सीनियर या किसी ऐसे कस्टमर के दम पे टिकट बुकिंग मत कर लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा इस महीने विदेश जाने को लेकर डिस्टर्बेंस पैदा करेगा सूर्य, ये याद रखिएगा 17 तारीख के बाद। इसके बाद फिर जो है, हालांकि 13 अक्टूबर तक शुक्र है द्वादश भाव पे, तो जिनका पहले से कुछ बेहतर था तो 13 अक्टूबर तक विदेश जा सकते हैं, लेकिन 17 अक्टूबर के बाद जब सूर्य नीच के होंगे तो विदेश जाने को लेकर डिस्टर्बेंस, प्रशासनिक कानूनी अड़चन, जिनका वीजा पीआर ग्रीन कार्ड को लेकर के कुछ शुभ समाचार आने वाला है, उसमें दिक्कतें आएंगी, तो 17 तारीख के बाद आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता होगी। कैसा रहेगा आपके जीवन में वृश्चिक राशि वाले इनकम का हाल? देखिए, इनकम दो तरीके से मनुष्य कमाता है, एक तो जिसका कितना भी खर्च हो कंटिन्यू इनकम होता है, और एक जब इनकम से ज़्यादा खर्च बढ़ जाता है। इस महीने आय स्थान पे 17 तारीख तक सूर्य विराजमान है, जब सूर्य 17 तारीख तक विराजमान है तो ये पंचम भाव पे दृष्टि भी डाल रहे हैं, तो सबसे पहला जो लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं उनके लिए तो इनकम का सोर्स इस महीने नहीं घट रहा है। जिनका कंटिन्यू इनकम का सोर्स बंद पड़ा था वो भी चालू रहेगा। 20 अक्टूबर तक सूर्य भी माफ करेंगे 20 अक्टूबर तक मंगल भी धन भाव को देख रहा है, तो 20 अक्टूबर तक जहाँ भी आपके फंड फंसे हुए हैं,
कोई प्रॉपर्टी को लेकर, इंश्योरेंस को लेकर, सरकारी काम को लेकर, प्राइवेट बिजनेस को लेकर के या जॉब को लेकर के, तो इन सभी चीज़ों में बेहतरीन चांस के योग दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, 17 तारीख को सूर्य जो है वो द्वादश भाव पे नीच के हो जाएंगे और 20 तारीख से मंगल नीच के हो जाएंगे। तो आपको 17 अक्टूबर के बाद पैसे के खर्च पे कंट्रोल करना पड़ेगा। जैसे ही सूर्य नीच के होंगे, ये पिता पक्ष को लेके या सीनियर पक्ष को लेकर के या दूसरे की बातों में आकर ज़्यादा व्यापार में इन्वेस्टमेंट करेंगे, नुकसान देगा। तो 20 अक्टूबर के बाद आप जितना पैसा बचा सकते हैं उतना आपके लिए बेनिफिट है, नहीं तो आय से ज़्यादा इस महीने खर्च का योग बन रहा है। और आप सभी को पता है कि मैं बहुत ही क्लियर और स्पष्ट बताता हूँ, अच्छा लगे बुरा लगे मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है, मेरा काम सिर्फ ग्रहों को पढ़ के बताने का काम है। इसके बाद फिर कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे महीने वैवाहिक जीवन का हाल, ईश्वर की कृपा से कुछ बड़ा होने वाला है। विवाह स्थान के स्वामी आपकी कुंडली में शुक्र हैं, जहां पहले से बृहस्पति सप्तम भाव पे बैठे हुए हैं। 13 अक्टूबर से जो है शुक्र आपके सप्तम भाव को देखेगा, तो जिनका वैवाहिक जीवन में सेपरेशन था, मतभेदता था, 13 अक्टूबर से सॉल्व हो जाएगा। जिनके वैवाहिक जीवन में डिस्टर्बेंस या परेशानियां थी, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं कर रहे थे, 13 अक्टूबर से सॉल्व हो जाएगा। जिनके विवाह के ढंग के रिश्ते नहीं आ रहे थे, विवाह को लेकर डिस्टर्बेंस थे या फिर किसी से चाहते थे कि वही रिश्ता आए, तो 13 अक्टूबर से इस मामले में सफलताएं मिल रही हैं। मतलब ईश्वर की कृपा विवाह के मामले में इस महीने बहुत ही अच्छी दिख रही हैं वृश्चिक राशि वाले। कैसा रहेगा लव लाइफ का हाल, जिनका लव लाइफ की बात अगर मैं करूं तो एक चीज़ यहां पे है, 20 अक्टूबर तक मंगल सीधा द्वितीय भाव को देख रहा है और पंचम भाव को सूर्य की 17 अक्टूबर तक दृष्टि है। तो जिनका लव लाइफ बिल्कुल ख़राब था 17 अक्टूबर तक सॉल्व हो जाएगा, जिनका लव लाइफ में लेके डिस्टर्बेंस परेशानी थी 17 अक्टूबर तक सॉल्व हो जाएगा। लव टू मैरिज आपके 17 अक्टूबर तक 100% हो जाएंगे, कहीं से कोई शक नहीं है। कैसा रहेगा आपके जीवन में भूमि मकान वाहन संपत्ति का हाल, प्रिय वृश्चिक राशि वाले शनि वक्र अवस्था में गोचर कर रहे हैं, लेकिन भगवान की तरफ से कुछ बड़ा होने वाला है। यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात है, 20 अक्टूबर को शुक्र कर्क राशि में जाएंगे और इनकी अष्टम दृष्टि चतुर्थ भाव पे पड़ेगा। तो जिन लोगों का कोई प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रहा था, 20 अक्टूबर के बाद सेल हो जाएगा। जिन लोगों का प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद या डिस्टर्बेंस था, 20 अक्टूबर के बाद वह भी सॉल्व होता हुआ नजर आएगा। जिन लोगों की प्रॉपर्टी को लेकर के घर के काम रुके हुए थे, घर का कोई रेंट वगैरह नहीं लग रहा था, 20 अक्टूबर के बाद सॉल्व हो जाएगा। जिनकी माता से मतभेद था या माता के स्वास्थ्य खराब को लेकर परेशानियां थी, 20 अक्टूबर से सॉल्व हो जाएगा। मतलब 20 अक्टूबर के बाद आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड सभी प्रकार की बाधाएं समाप्त हो रही हैं और पिता से तालमेल 17 तारीख तक ठीक है, लेकिन 17 तारीख के बाद आपके पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी खराबी और पिता से थोड़ी मतभेद हो सकती है, तो इस महीने पिता के स्थितियों में ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। कैसा रहेगा आपके जीवन में शिक्षा और संतान का हाल, प्रिय वृश्चिक राशि वाले 17 अक्टूबर तक कंटिन्यू सूर्य का पंचम भाव पे दृष्टि है। 17 अक्टूबर तक आपको पढ़ाई में किसी प्रकार की ईश्वर की कृपा से कोई दिक्कत नहीं आएगी, मन चाहे एडमिशन के चांस बनेंगे, मन चाहे कॉलेजेस मिलेंगे, शिक्षा को लेकर के आपके स्वास्थ्य को लेकर के शिक्षा में या किसी प्रकार का विवाद को लेकर या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के चलते जो है शिक्षा में जो बाधाएं आ रही थी वह सॉल्व होता हुआ दिखेगा। जिनके संतान कंसीव नहीं हो रहे थे, 17 अक्टूबर तक संतान कंसीव होने का चांस बनेगा और 13 अक्टूबर से द्वितीय संतान का तालमेल और द्वितीय संतान का फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा। लेकिन 17 अक्टूबर के बाद आपको थोड़ा सा शिक्षा में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि केतु की सीधी दृष्टि पंचम भाव पे रहेगी। तो 17 तारीख के बाद आपको जो है शिक्षा के मामले में किसी के दूसरे के विवाद में नहीं फंसना है, इसके अलावा जो है बहुत ज़्यादा फैमिली का ओवर बर्डन लेकर के नहीं चलना है, और अगर आप नौकरी और साथ में बिजनेस शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो नौकरी को बढ़ाइएगा मत ज़्यादा, इसको लेके 17 तारीख के बाद शिक्षा में बाधा आ सकता है। मैं बहुत ही क्लियर और स्पष्ट बता दिया। कैसा रहेगा आपके जीवन में स्वास्थ्य का हाल, 20 अक्टूबर तक सब कुछ चंगा है, लेकिन 20 अक्टूबर से मंगल नीच के होंगे तो पेट का और पैर का और नेत्र संबंधी थोड़ी समस्याएं पड़ सकती हैं, ध्यान देने की आवश्यकता है। और 17 अक्टूबर से सूर्य नीच के हो रहे हैं तो इस महीने थोड़ा सा चेस्ट पेन या चेस्ट इन्फेक्शन को लेकर परेशानियां हो सकती हैं, हड्डियों से रिलेटेड या नेत्र से रिलेटेड समस्याएँ हो सकती हैं, तो अपना ख्याल रखिएगा। केस मुकदमा का बात, ईश्वर की कृपा से 17 अक्टूबर तक किसी प्रकार का भी कोई केस मुकदमा का विवाद है तो आप उससे बाहर निकल रहे हो। 17 अक्टूबर के बाद केस मुकदमा से बचना होगा। ससुराल पक्ष को लेकर विवाद, डिस्टर्बेंस, अस्थिरताएं जो हैं वो 20 अक्टूबर से सॉल्व होते हुए नजर आएंगे।
उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए, हनुमान चालीसा जो आपके राशि के स्वामी हैं उसको कंटिन्यू करिए, और इसके अलावा और बेहतर चाहते हैं प्रभाव को बनाना तो प्रत्येक दिन किशमिश का भोग भगवान गणेश को लगाइएगा, जीवन बदलता हुआ नजर आएगा वृश्चिक राशि वाले। तो प्रिय वृश्चिक राशि वाले, कैसा रहेगा अक्टूबर महीने में आपका संपूर्ण हाल, बहुत विस्तृत जानकारी मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।